चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर। कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? याद रखिए, वायुयान उद्योग के लिए। सागर माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे एवरेस्ट पर्वत को। विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है सेंटोस। पाक जलडमरू स्थित है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल खाड़ी के बीच। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा है? तो याद रखिए, चीन के साथ। भारत में दालों का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। अगला है, विश्व में सबसे अधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील साइबेरिया में। विराजिल धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। अगला, विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। जनसंख्या के घटते क्रम से चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। अगला है, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल के यूरेनस मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? तो याद रखिए, बृहस्पति और शनि। अगला है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में, केंद्रीय धान अनुसंधान। अगला है, मिश्रित खेती किसे कहते हैं? विभिन्न फसलें उगाने के साथ पशुपालन भी करना। अगला है, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से। अगला है, माल्टा किस सागर में अवस्थित है? भूमध्य सागर में। अगला है, जब 1953 में आंध्र राज्य का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ तो कौन सा शहर उसकी राजधानी बना? तो है कर्नूल। अगला है, मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला है, जहां पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो याद रखिए, नीलगिरी पहाड़ियां। अगला है, काहिरा में किस जलवायु क्षेत्र में है? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। अगला है, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़े 4 अवरोही क्रम में राज्य हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अगला है, प्रसिद्ध कश्मीरी घाटी स्थित है महान हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच। अगला है, मसाई का प्रमुख व्यवसाय है पशुचारण। अगला है, उलान उदे नामक विख्यात जंक्शन किस बड़े रेल मार्ग पर है? तो याद रखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर। अगला है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। अगला है, बेसाल्ट सेल में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है? सिलिकॉन की। अगला है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़। अगला है, कोयल कारों जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? झारखंड में। अगला है, टाटी पाका रिफाइनिंग किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। अगला है, जल चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला है, गिलोप पर कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से। अगला है, भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा से मिलती है? तो यह मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अगला, किस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो यह है NH7। यह वाराणसी से कन्याकुमारी है, 2369 किलोमीटर। अगला, टारस जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को। अगला, कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की। अगला है, हमारा कोची भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर। अगला है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है? बेहद
निकोबार द्वीप में। अगला है पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? हिमाचल प्रदेश। अगला है रेलवे कोच का कारखाना स्थित है पैगम्बूर में। अगला है विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हड़सन की खाड़ी। अगला है कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा का को स्पर्श करता है? तो यह कैस्पियन सागर। अगला है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बिराज कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला है भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नेहा वोसेवा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। डोल्डर में स्थित है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांश। अगला है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित बंदरगाह है पोर्ट सईद और स्वेज। अगला है बेला डीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहे अयस्क के लिए। अगला है वोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? घाना में। अगला है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। अगला है कौन सा देश दक्षिण का वेटेन का कहलाता है? न्यूजीलैंड। अगला है कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? सिंगापुर। अगला है काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को। अगला है एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में। अगला है पीरेनीज पर्वत किन देशों के बीच है? इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच। अगला है कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो यह कील नहर। अगला है पृथ्वी की भ्रमण गति है तो 27.6 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लेक सुपीरियर। अगला है हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? तो बेहद हिमालय श्रेणी। अगला है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को अनुमानतः कितना समय लगता है? 25 मिलियन वर्ष। अगला है चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां मानी जाती हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा तथा 25 डिग्री सेंटीमीटर से ऊपर का तापक्रम। अगला है किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है? तो यह मंगल। अगला है वीली वीली क्या है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान। अगला है वेंगई क्या है? तो यह पश्चिमी एशिया की जनजाति। अगला है कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? तो यह दामोदर नदी। अगला है मालदीप किस महासागर का द्वीप समूह है? तो याद रखिए हिंद महासागर। अगला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? रायबरेली में। अगला है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप में। अगला है डिंडीगुल किस राज्य में? तमिलनाडु। अगला है भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। अगला है विश्व का प्रसिद्ध डॉन वासा कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में। अगला है भारतीय वन संसाधनों के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। अगला है जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में। अगला हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई? पिंपरी पुणे में। अगला है साओ पाओलो किस देश की नई राजधानी है? ब्राजील की। अगला हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। अगला है अजीजिया विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है, यह किस देश में है? तो लीबिया उत्तरी अफ्रीका में। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा जलपात किस देश में है? वेनेजुएला में दक्षिण अफ्रीका। अगला है गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियां स्थित है? राजमहल पहाड़ियां। अगला है खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में? मेघालय में। अगला है अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा और सोन। अगला है न्यू मोर द्वीप जो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगला है हारमूज जल संधि किन दो देशों से को अलग करती है? ओमान और ईरान को।
अगला है कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है, ओसाका। अगला है पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी, त्रिनिदाद और टोबैगो की। अगला है हमारा अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो है मालवा का पठार।